इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जनसेवा अभियान के तहत शिविर लगाकर लोगों को प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उद्देश्य केवल एक ही है, जो भी पात्र हितग्राही हैं वे योजना के लाभ से वंचित न रह सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जनता को यह भी समझा रहे हैं कि वह उन सभी गलतियों को करने से बचे जिनसे उनका नुकसान हो सकता है। शिवराज ने लोगों को बताया है कि पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का खाता अलग अलग होना चाहिए। जिनके नाम खेती की जमीन है और खाता अलग है, उनके खाते में 10,000 हर साल जमा किए जाएंगे। साथ ही सरपंच जिम्मेदारी से इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी लाभार्थी किसी भी योजना से वंचित न रहे। देखो भैया, ये पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में खाता अलग होना चाहिए, समझ गए? अलग जिनका खाता है और खेती की जमीन नाम पे है, उनके खाते में 10,000 रुपया हर साल आएंगे। और इसलिए सरपंचों की भी ड्यूटी और जो सरपंच नहीं है उनकी भी ड्यूटी, क्या लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गरीबों की योजना का लाभ मिलना चाहिए। बेटी क्या बोल रही है? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करो भाई, कहाँ कलेक्टर, कहाँ होगा इलाज? कौन अभी कहीं इलाज नहीं करवाया? इनको तत्काल भेजो भाई, एम्स में करा लेते हैं, एम्स भोपाल में कराओ इलाज। मैं व्यवस्था करूंगा, चिंता मत कर, गाड़ी भेज के बुलवा के चेकअप करा और इलाज करवा। कौन कौन देखेगा? नहीं, एक भैया तुम हो, एक भैया मैं हूँ, चिंता मत कर बेटी। और तत्काल 50,000 रुपए की राशि भी इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं। राजेश 50,000 का चेक देना और पूरा इलाज करवाओ। इसको कल भेजने की व्यवस्था करो, तब तक वहाँ डॉक्टर से टाई अप करो।